निशांत बसीना एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल द इन्वेस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, आज के मार्केट हम लोगों को बहुत अच्छी आई और हम लोगों ने जो भी स्टॉक्स लिए थे बेटर परफॉर्म हमें करते हुए देखने को मिले। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे टाइम रेंज बाउंड रहा, हम लोग दो बार लाइव भी आए थे यूट्यूब पे एंड निफ्टी बैंक निफ्टी ने कुछ परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली है। एंड अभी हमने रिसेंटली देखा था कि 18,300 का एक ब्रेकआउट आया था लास्ट आर पे, फिर उसके बाद नीचे जाके क्लोज करा। सो आई थिंक इट्स सेफ टू नॉट बाय एट दिस करेंट लेवल, जो मैं आपको अभी बताऊंगा और जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर आपको लेवल्स बताए थे, वी हैव टू फॉलो दैट लेवल्स। ठीक है, अब आज के वीडियो पे ना मैं थोड़े से आपको इंट्राडे के स्टॉक्स देने वाला हूँ, जो हम फोकस करते हैं थोड़ा बहुत इंट्राडे के स्टॉक्स पे। एंड अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के और स्टॉक्स चाहिए तो वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी हम लोगों ने रिकमेंड कर रखे हैं एंड उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा भी प्रॉफिट भी दिया है। दालमिया शुगर लिया था हम लोगों ने एंड बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स लिए थे जो बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एवरी वीक एक वॉचलिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें उसी वॉचलिस्ट के अंदर हम लोग स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करेंगे एंड अपना एम रखेंगे कि एवरी वीक उसी वॉचलिस्ट के अंदर से हम अपना टोटल कैपिटल जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसका 4-5% हर हफ्ते अर्न कर पाए। तो उस तरीके से हमारी जर्नी अभी तक तो अच्छी चल रही है, कुछ स्टॉक्स अच्छे हैं एंड 10% के ऊपर है, 5% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक रिटर्न अच्छा मिल रहा है। सो अब देखते हैं आज की वीडियो में कल कौन से ऐसे इंट्राडे स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप भी आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो अभी मैंने 2 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड सबसे पहले एक सिंपल सी हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक स्टॉक के ऊपर कि वो कैसा हमें लग रहा है बाय करने के लिए। आप देख सकते हैं एक सिंपल हम लोगों ने रेजिस्टेंस के सारे ऊपर हाइस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाई रखी है, जहां पर हम लोगों को रेजिस्टेंस दिख रहा है 422-423 पे। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं इनर साइड का कि यहाँ पर हमें क्या लग रहा है। अगर आप चेक करेंगे कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया तो लेट मी शो यू। आप यहाँ देखिएगा, स्टॉक एक अपमूव, उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, अगेन इट गेव अ वेरी गुड अपमूव, उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट। अब ये जो रेंज थी, जिस रेंज के अंदर स्टॉक ने काम करा है, वो रेंज को आप समझिएगा, ज्यादातर इंडिसाइसिव कैंडल्स थी। उसके अलावा अगर आप चेक करोगे इस बिग कैंडल से पहले की मूव को, आप ज्यादातर इंडिसाइसिव और ब्लैक कलर की कैंडल्स यानी कि बियरिश कैंडल्स ही देखोगे। उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत अच्छा बेस से ब्रेकआउट आया, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। आफ्टर दैट इसने कुछ इनसाइड कैंडल्स फॉर्म करी, इसने डबल टॉप क्रिएट करा एंड डबल टॉप क्रिएट करने के बाद अगेन नीचे आया एग्जैक्टली इस लेवल एंड उसके बाद फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। अब यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि सबसे पहले एक रेंज का ब्रेकआउट आता है, उसके बाद कंसोलिडेट करता है, फिर हायर लेवल पे ब्रेकआउट वाले हायर लेवल पे एक डबल टॉप क्रिएट करता है। जब उस डबल टॉप का नीचे की तरफ टारगेट अचीव होता है तो वो एग्जैक्टली टारगेट होता है इस रेंज का। सो आई थिंक हम एक क्लियर विजन से कह सकते हैं कि अगर स्टॉक को हम बाय करते हैं तो हम इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक है, क्लियर वाली बात यह है। इसके अलावा डबल टॉप के ऊपर ये पैटर्न फॉर्मेशन करके ऊपर ब्रेकआउट दिया, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक। स्टॉक का नाम अंबुजा सीमेंट है, करंट प्राइस इज 407 रुपीज, और अगर ये 404-405 भी आता है तो भी हम इस स्टॉक को एज एन इंट्राडे कल भी बाय करके चल सकते हैं। अब बात आती है शिवानसर की टारगेट कहां तक जा सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबली टारगेट जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो अगर आप यहाँ चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर ट्रेंड लाइन 422 रुपीज का भी आ सकता है, और अगर हम लोग इस तरीके से भी लेकर चले जहां पर हमें मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट कि हम लोग इस लेवल को भी अज्यूम करके चल सकते हैं। लेट मी शो यू दिस लेवल। आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा फॉल आया था, आफ्टर दैट एक ब्रेकआउट दिया, फिर इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया एंड अगेन एक फॉल आया। सो हम लोग 417 से लेके 422-423 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन अंबुजा सीमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक। दूसरा स्टॉक हमारा है JSW स्टील। ये भी हम लोग ऐसा इंट्राडे आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 699 रुपीज पे एंड एक अच्छा ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हैं एक अच्छा फॉल आया था, इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया था एंड आफ्टर दैट जब एक फॉल इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक करा, हम लोग मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे फॉर क्वाइट सम टाइम। रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखा एक अच्छा ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला एंड आफ्टर दैट एक कैंडल, उसने एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करी। सो आई पर्सनली थिंक अगर इस दोनों कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली कल एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो अभी करंट प्राइस 699 चल रहा है, हम लोग इसे बाय कर सकते हैं। अबव 703 स्टॉप लॉस हम लोग 10 रुपये का मेंटेन करेंगे एंड अपने टारगेट्स हम लोग 20 रुपीज़ के, तो बेसिकली 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर हम लोग चल सकते हैं। टारगेट्स कैसे डिसाइड करे गए हैं, टारगेट्स डिसाइड करे गए हैं थ्रू आर प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि हमें 723-724 रुपीज़ का क्लियरली देखने को मिल रहा है।
सो 10 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा एंड 20 रुपीज का टारगेट होगा एंड हम क्लियरली स्टॉक पे अपनी अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं। और ये ऑलरेडी एज अ BTST मैंने अपने टेलीग्राम पे भी सजेस्ट कर दिया था आप लोगों को, सो वहां पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर बहुत अपडेट्स मिलते हैं। सो गाइस हमारा लास्ट स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है और बहुत मजेदार है। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली अपने बॉटम से 2000 रुपीज के लेवल से आप देख सकते हो एक कंसिस्टेंट बाइंग आ रही है, एक कंसिस्टेंट वे के अंदर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। नॉट दैट कि एक बहुत बड़ी बड़ी मूव्स ये कर रहा है, बहुत छोटी छोटी मूव्स के साथ एंड एक छोटी छोटी कैंडल्स के साथ ये कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर बार बार जा रहा है। लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम फॉर दैट। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो एक कंसिस्टेंट बाइंग हमें देखने को मिल रही है ऑन एवरी डे ऑन एवरी कैंडल। सो आई थिंक यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क हम लोग लेकर चल सकते हैं और अगर इस रेंज के ऊपर जाता है तो एक अच्छा बाइंग प्रेशर इसके अंदर दोबारा भी देखने को मिल सकता है। सो लेट मी ओपन अ 2 आवर्स टाइम फ्रेम अगेन एंड वहां पर मैं आप लोगों को और इजी लैंग्वेज पे बता पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर लेट मी शो यू दिस, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था, फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे सकता है और इस रेजिस्टेंस से पहले ये लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करता था और एग्जैक्टली उस सपोर्ट से पहले अगेन वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम हुआ करता था। सो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमें दिखा सकता है और मोस्ट प्रोबेबली शायद ये यहाँ से 100 रुपए की रैली भी कर ले। फोकस ऑन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज राइट नाउ और आई थिंक ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। जब तक ये ट्रैवल कर रहा है अपने एक बुल रन के अंदर, एक अप ट्रेंड के अंदर, व्हाई डोंट वी ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल। और जब तक ये ऊपर जा रहा है हम इस पर फायदा उठाते रहे। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। आई होप आपको स्टॉक्स पसंद आ गए। उसके अलावा हम लोग टेलीग्राम पे और सारी चीजें बताएंगे आपको, तो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन देयर एज वेल। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के डाटा की। तो निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया एंड क्लियरली हम लोगों ने जो कल डिस्कशन करी थी वो यही करी थी, जब तक निफ्टी 18,330 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें क्लियर बाय नहीं करना। एग्जैक्टली आज भी जो इसने हाई क्रिएट करा है 320 का करा, उसके ऊपर नहीं करा, बट वहां पर भी हमें बाय नहीं करना था, हमें 330-335 के ऊपर ही बाय करना है। देखिए अब ये नीचे नहीं जा रहा है, बैंक निफ्टी का अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वीक था आज के दिन पे, पर निफ्टी वीक नहीं था तो निफ्टी पे एक बेस बन रहा है। निफ्टी पे 18,200-190-180 पे एक बहुत अच्छा बेस बन रहा है। सो आई थिंक वहां के हम लोग पुट को शॉर्ट करके और लोअर लेवल के पुट्स को शॉर्ट करके इस एक्सपायरी पे फायदा ज्यादा उठा सकते हैं एज कम्पेयर टू बाइंग कॉल एंड पुट ऑप्शंस, बिकॉज मार्केट इज इन वेरी रेंज बाउंड सेशन, तो यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। सो लेट मी शो यू ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एज वेल। सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एक अच्छा ब्रेकआउट आया, उसके बाद सस्टेन कर रहा है एंड इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। सो आई थिंक फ्रॉम माय साइड यहाँ पर ट्रेडेबल क्वांटिटीज अभी हमें नहीं लेनी चाहिए और जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं देता 18,340 का तब तक हमें निफ्टी के अंदर बाय नहीं करना। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, बट फ्रेश बाय पोजिशन अगर हमें बनानी है तो 18,340 का होगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। अगर हम लोग चेक करें सो बैंक निफ्टी इज शोइंग अ स्लाइटली वीक। आप देख सकते हैं एक सिंपल एक अप ट्रेंड हमें क्लियरली देखने को मिल रहा था विद अ वेरी गुड हायर हाइज एंड हायर लोस। रिसेंटली अभी हमने देखा था एक लोअर लो एंड लोअर हाई हमें देखने को मिला। आफ्टर दैट क्या हुआ, ये एक फॉल आया, इट ट्राई टू मूव अप, अगेन एक फॉल आया। अब ये दोबारा ऊपर जाने की इसने कोशिश करी, अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया एंड इट फेस्ड अ रेजिस्टेंस एट दिस पर्टिकुलर लेवल, जिस लेवल पे उसने ब्रेक डाउन दिया था। सो आई पर्सनली थिंक कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 38,400 का तब तक हमें बाय करने की जरूरत नहीं है और विद अ कैंडल क्लोज हमें 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग वाली चाहिए होगी, तब हम एक टारगेट रिज्यूम कर सकते हैं 38,500-530 का। बट अगर फाइनली अगर ये 38,530 को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली हम लोग 39,000 तक क्लियर हो जाएंगे। बट हमें देखना ये कि एक डेली कैंडल या फिर अर्ली कैंडल हमें 38,500 के ऊपर क्लोज करते हुए देखने को मिलनी चाहिए। अब दूसरी चीज ये हमारे पास या फिर दो ऑप्शन बचते हैं बाय करने के लिए। पहला ऑप्शन बचता है या तो फिर हम इसी लेवल के ऊपर करेंगे 38,400 के ऊपर डेफिनेटली बाय करेंगे, अदरवाइज अगर यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट करता और यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिलता तो बाय करेंगे। अब यहाँ पर दो चॉइसेस है, अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो तो आप अच्छी क्वांटिटीज बाय कर सकते हो, अगर आप डबल बॉटम पे बाय करते हो तो प्लीज मेक श्योर कि वहां पर आप एक लॉट लो या फिर उससे ज्यादा ना ही लो, क्योंकि वी आर नॉट वेरी श्योर कि डबल बॉटम मेंटेन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूस एक डाउनफॉल की रैली है, अपने एग्जैक्टली 50% 61% रिट्रेसमेंट लेवल पे है, प्लस एक मेजर एरिया ऑफ वैल्यू है जो मैंने आपको अपनी बिगनर्स वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है।
सो आई थिंक अगर ये नीचे करना स्टार्ट होता तो एक फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो फॉल इसको पर्टिकुलर ये 37,800 तक भी लेकर जा सकता है, ऑलमोस्ट करेंट लेवल से भी हम लोग 400 रुपए की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर यहाँ पर अगर आप बाय करते हो तो विद प्रॉपर रिवर्सल जब तक शो नहीं करता तब तक बाय मत करना, अदरवाइज इसी के ऊपर हम लोग एक फ्रेश बाय पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब बात करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे, उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। तो निफ्टी का मैंने ऑलरेडी चार्ट ओपन कर दिया है, एंड ओपन इंटरेस्ट पे अगर आप क्लियरली देखेंगे तो सबसे पहली बात जो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, दैट इज के जो 18,200 के जो कॉल राइटर्स थे वो एग्जिट कर गया है मार्केट से। जो जितने भी लोगों ने कॉल्स को शॉर्ट करके रखा था कि इसके ऊपर नहीं सस्टेन कर पाएगा, इसके ऊपर नहीं कर पाएगा, तो वो लोग हार मान के जा चुके हैं मार्केट से, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। सो 18,200 एक मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है, 18,200 18,180 का। सो मैंने अभी आपसे जो चार्ट पे कहा एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग अपना वहां पर पुट शॉर्ट करके नीचे लेवल से पुट को शॉर्ट करके लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात, 18,300 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों बराबर है, ज्यादा मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट आज के मार्केट में इतना याद हमें रखना चाहिए कि कॉल राइटर्स एग्जिट करें रैदर देन पुट राइटर्स, और पुट राइटर्स नए ऐड हुए हैं। अब दूसरी चीज हमें ये देखने वाली है कि 18,050 पे और 18,100 पे क्यों इतने ज्यादा पुट राइटर्स की पोजिशन अभी भी एक्टिव है। आई पर्सनली थिंक इनको अगर ये शिफ्ट होकर और आगे की तरफ आते हैं तो हमारी क्लैरिटी और इंक्रीज हो सकती है, और यहाँ पे जो कॉल राइटर्स आप देख रहे हैं अगर इन लेवल्स पे कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हुई तो एक ह्यूज मूव की मार्केट तैयारी कर सकता है। अब यहाँ पर तो आप लोगों को निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देख के तो लग रहा होगा यार बहुत अच्छी बात है यहाँ पर बाय के मौके दिख रहे हैं, बट अगर मैं जैसे बैंक निफ्टी का ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको ग्रीन से कम रेड बार्स ज्यादा या कॉल राइटर्स ज्यादा एक्टिव देखने को मिलेंगे। हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव एट 38,500 जो कि एक क्रूशियल, अभी मैंने टारगेट बोला, जब तक उसके ऊपर एक अर्ली या डेली कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक एक बड़ी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद ही 39,000 का लेवल ओपन होगा। दूसरी चीज, सेकेंड हाइस्ट कॉल राइटर्स एक्टिव एट 38,300 और अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज। तो या तो फिर कल ऐसा मैजिक हो जाए कि 100 रुपए ऊपर कल गैप अप खुले बैंक निफ्टी और उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो एक शॉर्ट कवरिंग के चक्कर मार्केट ऊपर बहुत तेजी से जा सकता है। अगर फिर ये गैप डाउन ओपन होता है और अगर इसी लेवल पे ओपन होता है एग्जैक्टली इस लेवल पे ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा तो इतना याद रखना कि जो कॉल राइटर्स हर लेवल पे एक्टिव है तो वो और ज्यादा पुश करेंगे, दे विल ट्राई टू पुश हार्डर और नए कॉल राइटर्स और मार्केट के अंदर एक्टिव होना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से डेफिनेटली हम लोग 38,000 या फिर 37,200 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर निफ्टी इज नॉट वीक एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। सो उस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करके जरूर चलना, एंड अगर नहीं समझ में आ रही है चीज तो प्लीज फोकस ऑन स्टॉक्स ओनली, स्टॉक स्पेसिफिक रहो, वहां पर आप लोग सेफ रहोगे। सो आई थिंक इसके साथ हम लोग डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा गाइस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट्स बीन लॉन्ग टाइम जिसमें हमारे 1,00,000 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस नहीं करें, एंड वी आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड कंटेंट। मैं सिखा बहुत ज्यादा अच्छे से रहा हूँ जिस तरीके से आपको कोई और नहीं सिखा रहा होगा, एंड आई होप सिखा भी रहोगे, बट इफ दे आर इंक्रीजिंग प्लीज आप ट्राई करोगे हम भी डेफिनेटली इंक्रीज करें। ठीक है, तो फॉर दैट वेरी गुड डे।